गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज के ठाणे स्थित बंगले के पास आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन ओबीसी पर टिप्पणी मंत्री जितेंद्र आवाज ने की थी और उसी मामले में बीजेपी का ये आक्रामक रूप सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्री जितेंद्र आवाज ने खुद ट्वीट कर पुलिस को जानकारी दी थी कि उनके घर के बाहर हंगामा होने वाला है, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। और बीजेपी उपाध्यक्ष विक्रम भोईर मंत्री जितेंद्र आवाज के बंगले के कुछ दूर पर ही अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, मगर तभी इसी दौरान इन्हें रोक दिया गया। इस दौरान सभी लोग मंत्री जितेंद्र आवाज के खिलाफ नारे लगाने लगे और इसी दौरान एनसीपी पार्टी के शानू पठान और शमीम खान भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुँच गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। बीजेपी और एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला और आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया है। पुणे से दो बस भर के आने वाली थी आंदोलन के लिए, कहाँ पहुंची है और क्या उसका रूपरेखा है? ऐसा है कि योगेश टिलेकर जी के साथ में 25-30 लोग और थाना के 25-30 लोग ओबीसी समाज के जितने भी लोग हैं आज यहां पर आकर आंदोलन की स्थिति तय करने वाले थे। उन्हें पुलिस प्रशासन ने योगेश टिलेकर जी को अरेस्ट किया ऐसा हमें अभी मालूम पड़ा है, लेकिन उनको छोड़ के थाना गेस्ट हाउस पर लेके आ रहे हैं। उसके बाद इसका निवेदन और आंदोलन की तिथि और तय की जाएगी। कितने लोगों की संख्या होगी? लगभग 50, शासन के निर्णय तक 50 लोग रहेंगे इस आंदोलन में। क्या कारण है जो आंदोलन करना पड़ रहा है? कल जितेंद्र आवाड साहब ने एक कहा था कि आंदोलन ओबीसी समाज का जो आंदोलन चल रहा था उसमें ओबीसी समाज का कोई भी नेता या उसके समाज का कोई भी लोग इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ था। योगेश टिलेकर, बावनकुले, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के लीडर है वो ओबीसी के सम्मान में आज रस्ते पे है और जितेंद्र आवाड को कहना चाहते हैं कि आप ये शब्द वापस ले लीजिए और आने वाले दिन में ओबीसी समाज की माफ़ी मांग लीजिए। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा? हम देवेंद्र जी से बात करके वहाँ पर उनको हक्तभंग का प्रस्ताव लाने की कोशिश करने वाले हैं।